नमस्कार दोस्तों, यूनिक टॉक में आपका स्वागत है। यमुनानगर हरियाणा राज्य का एक खूबसूरत शहर है जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से लगा हुआ है। यह शहर प्लाईवुड और कागज के कारखानों के लिए जाना जाता है। यह बड़े बड़े उद्योगों को लकड़ी प्रदान करता है। इस शहर को पहले अब्दुल्लापुर और जमुनानगर के नाम से जाना जाता था। यमुनानगर यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। यमुनानगर से यमुना नदी पहली बार मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। जगाधरी यहाँ का पुराना शहर है जो कि धर्मनगरी, बर्तन नगरी, जगाधरी वर्कशॉप और जगाधरी रेलवे स्टेशन के नाम से मशहूर है। जिले के अंतर्गत आने वाली तहसील और उपतहसील ऋषि मुनियों की धरती है। देश विदेश से कथावाचक और उपदेशक यहाँ भ्रमण करने आते रहते हैं। शहर एजुकेशन हब के रूप में भी अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। यमुनानगर शहर हरियाणा राज्य के लिए एक मणि है। जहाँ तक उद्योग और राजस्व का संबंध है, यह शहर राज्य के लिए दूसरा सबसे बड़ा राजस्व उत्पन्न करता है। चाहे चीनी मिलों, भारी मशीनरी कारखानों, प्लाईवुड कारखानों, पेपर मिलों, स्टील कारखानों या किसी अन्य औद्योगिक इकाई हो, इस शहर में ये सब कुछ है। हाल ही में रिलायंस समूह ने इस शहर में एक थर्मल प्लांट स्थापित किया है। इसके अलावा इस शहर का पूर्वी क्षेत्र जगधारी के नाम से जाना जाता है, जो इस शहर से अच्छी तरह से विकसित और जुड़ा हुआ है। इसमें पीतल और स्टेनलेस स्टील के बर्तन उद्योगों की यूनिट स्थापित है। शहर से लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूर शिवालिक पर्वत श्रेणियां आरंभ हो जाती है, इसलिए यहां पर्यटकों के लिए भी बहुत कुछ है। यहां के टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में जानने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नंबर 1, कलेश्वर नेशनल पार्क शिवालिका की निचली पहाड़ियों की गोद में 11,570 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। कलेश्वर नेशनल पार्क 2003 में स्थापित किया था। कलेश्वर नेशनल पार्क और कलेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में सिंबल वारा राष्ट्रीय उद्यान और उत्तराखंड में रजाजी नेशनल पार्क से सटे हुए हैं। कालेश्वर तेंदुओं के लिए लोकप्रिय है। शिवालिक तलेटी में ये जंगली क्षेत्र मुख्य रूप से साल के साथ साथ सेमूल, अमलतास और भैड़ के पेड़ों से ढका हुआ है। कालेश्वर में 53% घना जंगल, 38% खुला जंगल और 9% झाड़ी है। यह हरियाणा राज्य का एकमात्र ऐसा जंगल है जहाँ साल वृक्षों की प्राकृतिक पट्टी है। नंबर 2, चनेती बौद्ध स्तूप। यह जगाधरी से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गांव के करीब 100 वर्ग मीटर के क्षेत्र में ईंटों से बने 8 मीटर की ऊंचाई वाला एक विशाल मकबरा है। ये गोल आकार में बना है। ये पुराना बौद्ध स्तूप है। हेनसांग के अनुसार यह राजा अशोक द्वारा बनाया गया था। अशोक के शासन काल के दौरान प्राचीन शहर सुंग बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। नंबर 3, कपल मोचन। कपल मोचन जगाधरी से 17 किलोमीटर दूर बिलासपुर जाने वाले मार्ग पर स्थित एक प्राचीन और सिख तीर्थस्थल है। इसे गोपाल मोचन और सोमसर मोचन भी कहा जाता है। इस स्थान का पुराणों और महाभारत में उल्लेख पाया जाता है और भगवान महादेव, राम और पांडव ने यहाँ का दौरा किया था। यहाँ ऐतिहासिक महादेव मंदिर, गोवाचा मंदिर और प्राचीन पुल के साथ गुरुद्वारा है। हर साल करीब 5 लाख तीर्थयात्री नवंबर के वार्षिक मेले में यहां आते हैं। नंबर 4, देवीलाल हर्बल नेचुरल पार्क। ये पार्क यमुनानगर पावंटा रोड पर स्थित है। इसे चिकित्सा आपूर्ति की बढ़ती मांग को पूरा करने के प्रयास के रूप में बनाया गया था, क्योंकि इसमें जड़ी बूटियों और पौधों की एक विशाल श्रृंखला है। ये न केवल घरेलू चिकित्सा के लिए कार्य करता है बल्कि यह पार्क अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सर्किट में कार्य करता है। नंबर 5, सरस्वती उद्गम स्थल और आदि बद्रीनाथ मंदिर। शिवालिक पर्वतमाला में यह वह स्थान है जिसे सरस्वती नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। यमुनानगर बस स्टैंड से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित है, जिसका रास्ता बिलासपुर कपाल मोचन से रणजीतपुर गांव से होते हुए जाता है। यहीं पर श्री आदि बद्री नारायण एवं केदारनाथ मंदिर है। आदि बद्री उत्तराखंड के पंच बद्री का एक हिस्सा है, जो गुप्त काल के 16 मंदिरों का एक समूह है। इन मंदिरों में से एक नारायण मंदिर है, जिसमें काले पत्थर से बने 3 फीट ऊंची विष्णु की मूर्ति है। नंबर 6, पंचमुखी हनुमान मंदिर। इस प्राचीन मंदिर के साथ काफी कहानियां जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान हनुमान बाबा जान के दास के सपने में प्रकट हुए और उन्हें एक फलीदार पेड़ के नीचे अपनी एक मूर्ति स्थापित करने के लिए कहा। बाबा जान के दास ने करीब 700 साल पहले पूरे भारत के विभिन्न तीर्थ स्थलों से मिट्टी एकत्र कर यहाँ लाकर इस मंदिर की आधारशिला रखी थी। कहा जाता है कि प्रत्येक भक्त की मनोकामना यहाँ पूरी होती है। नंबर 7, कालेश्वर महादेव मंदिर। प्राचीन कालेश्वर महादेव मंदिर का नाम भगवान शिव के उपनाम
कालेश्वर के दूषित रूप से लिया गया है। ये मंदिर नेशनल हाईवे के पास स्थित है और कालेश्वर डांग बंगलों से सिर्फ 400 मीटर और हथनी कुंड बैराज से करीब 8.5 किलोमीटर दूर स्थित है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ कैंसर जैसी बीमारी का इलाज भी होता है। नंबर 8, हथनी कुंड बैराज। हथनी कुंड बैराज यमुनानगर जिले में यमुना नदी पर स्थित एक कॉन्क्रीट बैराज है। इसे सिंचाई के लिए अक्टूबर 1996 और जून 1999 के काल में निर्मित कराया गया। ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर स्थित है। ये बैराज आज एक फेमस पिकनिक स्पॉट बन गया है। नंबर 9, ओपी जिंदल पार्क। ओपी जिंदल पार्क यमुनानगर का सबसे बड़ा पार्क है। इस पार्क में बच्चों के लिए झूले लगे हुए हैं। इनके अलावा आप यमुनानगर में उपल यूनिवर्सल मॉल से शॉपिंग का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यमुनानगर में कौन कौन से स्थान पसंद है हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।